हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इमेज जारी की गई। दरअसल यह नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ली गई इमेज है और यह इमेज हमें हमारे अंतरिक्ष की 13 अरब साल पहले की तस्वीर बताती है, क्योंकि इस तस्वीर में जो कुछ लाइट्स हैं वो जिस गैलेक्सी से आ रही हैं वो 13 बिलियन साल पहले निकली गई थी। इसलिए यह इमेज इतनी खास है और साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमैनिटी के लिए। ये जो इमेज आप जो देख पा रहे हो, यह दरअसल नासा, यूरोपियन एजेंसी और जो कनाडा की स्पेस एजेंसी है, इन तीनों ने मिल के जो जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया था उसकी ये पहली इमेज है। अब जानते हैं कि तस्वीर आखिर बता क्या रही है। इस तस्वीर को बोला गया है वेब फर्स्ट डीप फील्ड और ये हमारे जो ब्रह्मांड की, हमारे अंतरिक्ष की, यूनिवर्स की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली इमेज है ये, जो इसको आप इतने क्लियरली देख पा रहे हो। और ये जो बहुत सारी जो गैलेक्सी का क्लस्टर आप देख पा रहे हो, ये जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है इसको कहा गया है SMAC 0723। इसके पहले जो अमेरिका का जो हबल टेलीस्कोप था वो इतने क्लियर इमेज नहीं दे पा रहा था, पर ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेज है ये बहुत ही हाईली रिजोल्यूशन की इंफ्रारेड इमेज दी है इसने। आपको पता है कि जो लाइट है उसके वो कैसे ट्रेवल करती है, वो 186,000 माइल्स पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है। इसीलिए इनमें से जो कुछ लाइट आप देख पा रहे हो ये 13 बिलियन ईयर्स पहले से निकली हुई है। इसका मतलब हम जो भी इमेज देख पा रहे हैं वो 13 बिलियन के आसपास की इमेज है और जो हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन है वो ही 38 बिलियन ईयर ओल्ड है। इसका मतलब हम हमारे जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन पॉइंट है उसके बहुत करीब पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से जेम्स टेलीस्कोप कुछ दिनों में या महीनों में कुछ और इमेज जारी करेगा, उसमें हम पता लगा लेंगे जो एग्जैक्टली बिग बैंग के बाद में जो यूनिवर्स की जो तस्वीर थी वो कैसी थी। ये जो इमेज ली गई है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरा, जिसको हम नियर कैम बोलते हैं, उससे ली गई है। और ये बहुत सारी वेवलेंथ पर इमेज ली गई, उसको फिर कंबाइन किया गया है और जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बताया गया उससे को ये SMAC 0723 बोला गया है। और ये जो गैलेक्सी है SMAC 0723 ये 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अपियर हुई थी। नासा के साथ में इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी का भी कंट्रीब्यूशन है। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये कहाँ पोजिशन है, ये पोजीशन है सन और अर्थ के L2 लेग्रांज पॉइंट पर। ये जो लेग्रांज पॉइंट 2 है ये ऐसे 5 पॉइंट्स में से है या ऐसे प्लेस या ऐसे 5 प्लेस हैं अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन में जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का और अर्थ का वो दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस L2 पॉइंट पर रहेगा वो क्या होगा, रिलेटिवली स्टेबल होगा और उसको बहुत ही मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए ताकि अपने आपको सर्वाइव कर सके और वहां पे अपने आपको पोजीशन रख सके। इस इमेज से आप पता कर सकते हो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल की इमेज में क्या डिफरेंस है। मतलब आपको इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है कि जो गैलेक्सीज दिख भी रही हैं पर वो इतने क्लियर नहीं है, पर यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो लाइट्स को। ये जो जितने भी ऑरेंज और ब्लू कलर के लाइट्स है ये सब गैलेक्सीज हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप 2021 में नासा ने लॉन्च किया था, क्योंकि 1990 में भेजे गए जो हबल टेलीस्कोप था वो अब पुराना हो गया था और उसमें जो इमेज थी वो इतनी क्लियर नहीं हो पा रही थी। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये इससे 100 गुना पावरफुल है हबल से। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये क्या एग्जामिन करेगा, हमारी कॉस्मिक हिस्ट्री को। मतलब उसमें फेज वाइज देखेगा कि कैसे कैसे इसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, कैसे बिग बैंग के बाद में यूनिवर्स थी, कैसे गैलेक्सीज बनी, स्टार बने, प्लेनेट बने और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इन सबको एग्जामिन करेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। यह जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि अंतरिक्ष से आप देख सकते हो अगर आसमान में कोई चिड़िया उड़ रही है, वो इतना पावरफुल उसका इंफ्रारेड कैमरा है। इसकी लागत थी 75,000 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि अभी तक ये सी इमेज हमने देखी नहीं थी। अब इस जेम्स वेब टेक्नोलॉजी से हम और भी हमारे जो अंतरिक्ष के अनसुलझे पहलू हैं उनको हम पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।